Rocky. हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ये कोई मेरा अभी नया नया चैनल है, इसलिए मैंने अभी यूट्यूब पे ज़्यादा शो नहीं है मेरा चैनल, ठीक है ना। तो मेरा आज का पहला वीडियो है, वो भी कुछ जियो फ़ोन के बारे में। जियो फ़ोन यानी कि जियो फ़ोन के नए अपडेट के बारे में, क्योंकि मेरा जियो फ़ोन अपडेट हो गया है। क्योंकि ये मेरी जो लेफ़्ट राइट में ये फ़ोन है, ये है F81E और मेरे जो राइट साइड में जो फ़ोन है वो है F61F। देखिए ये है F81E, ठीक। यस, तो फिर अभी मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे इस फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। इसमें नया सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, इसमें नहीं हुआ है। इसमें ट्राई किया है लेकिन इसमें पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे इस फ़ोन में अपडेट हो रहा है, ठीक है ना। हो रहा है तो मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब क्या है? मेरा मतलब कन्फ्यूजन हो गए, मतलब मेरे इसमें नए फीचर्स आ गए हैं, इसमें अभी नहीं आया है। तो आइए मैं आपको बताना चाहूँगा नए नए फीचर्स। सबसे पहले तो हम इसका गूगल असिस्टेंट में देखेंगे, क्योंकि इसमें अभी तो मैंने भी नहीं देखा है। देखिए इसमें आ रहा है, इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, इसमें सब पहला ऑप्शन आ रहा है क्लियर यूजर डेटा, जिसमें सॉफ्टवेयर अपडेट। इसमें मुझे ऑप्शन दिया जा रहा है चेंज लैंग्वेज का। देखते हैं, ये नया पहला फीचर हो गया है। आइए मैं आपको दूसरा फीचर दिखा रहा हूँ। दूसरा फीचर में आऊँगा ब्राइटनेस में। सबसे पहले हम जाएंगे ब्राइटनेस में, जाना चाहेंगे ब्राइटनेस में। जाने के बाद देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आता है वॉलपेपर, दूसरा ऑप्शन आता है ब्राइटनेस एंड तीसरा ऑप्शन आता है स्क्रीन टाइम आउट। लेकिन इसके तीसरे ऑप्शन के बाद कुछ नहीं है, मतलब सॉरी, इसमें जिसमें सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, इसमें देखिए चौथा ऑप्शन कुछ नहीं है, स्क्रीन टाइम आउट के बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि मैं बताता हूँ कि पहला ऑप्शन है इसमें वॉल पेपर्स, ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम आउट, और इसमें चौथा ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें है। आइए मैं देखूँ वो क्या है, वॉल पेपर्स, ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम आउट एंड ऑटो कीपर लॉक। एक तो ये आ गया है, तो इसमें क्या है कि 30 सेकंड बाद इस फ़ोन ऑटोमेटिक लॉक हो जाता था, जिसको कुछ लोगों को पसंद नहीं था। तो इसमें क्या है कि 30 सेकंड बाद ये आपके लाइट बंद होने के बाद डिस्प्ले की लॉक नहीं होगा। तो ये अभी ऑफ है, मैं आपको बताऊँगा अभी कुछ देर में कि ये कैसे काम कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन है क्या, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अभी हम कोई नंबर सेव करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 10 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है। 10 डिजिट का दोनों में एक नंबर मैंने ये कह दिया, मैंने इसको सेव किया। सेव में जाने के बाद लिखा है सबसे पहले ऐड एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स और दूसरा है क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट। दोनों में क्लिक करने के बाद इसमें डायरेक्टली खुल गया है कि कॉन्टैक्ट सेव। इसमें ये ऑप्शन तो नहीं दिया गया है कि फ़ोन मेमोरी में करें या सिम मेमोरी में, लेकिन मेरे इस फ़ोन में ऑप्शन दिया गया है कि फ़ोन मेमोरी में करें या सिम मेमोरी में। देखिए तो मैंने सिम मेमोरी में गया, सिम मेमोरी में मैंने ई के नाम से इसको सेव भी कर दिया, सेव हो गया। देखिए आ गया, मैंने इसको अब हटा दिया है। अब मैं आपको कॉन्टैक्ट में जाके बताऊंगा। देखिए ये इस सिम का आइकन आ गया, यानी कि ये सिम में सेव हो गया है, ठीक है। ये तो हो गया, एक और ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। इसको हटाइए। दोनों के कॉन्टैक्ट्स खोलेंगे। कॉन्टैक्ट खोलने के बाद देखिए मेरे इसमें ऑप्शन क्या क्या आते हैं, मैं आपको बताऊँ। देखिए इसमें डायरेक्टली सेटिंग खुल गई है, सेटिंग खुल गई है। देखिए कॉन्टैक्ट सेटिंग खुल गई है, जैसे कॉन्टैक्ट मैनेजर में शॉर्ट कॉन्टैक्ट, शॉर्ट वाई, फ्रेश नेम, स्पीड डायल, कॉन्टैक्ट सेट, ICE कॉन्टैक्ट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बस इतना ही। लेकिन मेरे इस फ़ोन में अब ये क्या हुआ, इस फ़ोन की सेटिंग में जाऊंगा तो उसमें लिखा है एडिट कॉल, सेंड मैसेज, शेयर, डिलीट कॉन्टैक्ट, मूव कॉन्टैक्ट एंड कॉपी कॉन्टैक्ट। मूव एंड कॉपी का ऑप्शन अभी किसी फ़ोन में नहीं है, सिर्फ अभी मेरे फ़ोन में आ गए हैं, ठीक है। ठीक है, मेरे थोड़े फ़ोन का कैमरा था इसलिए यानी क्या लाइन्स आ रही हैं डिस्प्ले पर, वैसे तो सही है। देखिए ठीक है ना, आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑटो कीपर लॉक काम कैसे करता है। मानिए दोनों 30 सेकंड पर भी लॉक्ड नहीं है,
मतलब 30 सेकंड पर सेट है कि 30 सेकंड बाद इनकी डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाएगी। देखते हैं देखिए, अभी 30 सेकंड में दोनों का लाइट बंद होगी, फिर मैं आपको बताता हूँ। बहुत टाइम ले रहा है, देखिए इसका भी हो गया है। दोनों का लाइट्स अभी बंद हो गया। अब मैं दोनों का एक बटन प्रेस करूँगा, देखना इसमें लॉक नहीं लगेगा और इसमें लगा होगा। देखिए इसमें लॉक है, लॉन्ग प्रेस सिस्टम है और इसमें लॉक नहीं लगा था, तो ऑटो कीपैड लॉक का ये सिस्टम आया है, ठीक है ना। अब बाकी का मुझे भी नहीं पता इसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं, जब होंगे तो मैं आपको एक और वीडियो बना के बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय एंड जय हिंद। मेरी और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो कोई मेरे सबसे ज़्यादा वीडियो देखेगा उसके लिए ये फ़ोन बिल्कुल फ्री है, क्योंकि ये फ़ोन मैंने अभी इसको एक कंपटीशन में लगाया कि जो सबसे ज़्यादा मेरे वीडियो देखेगा उसको ये फ़ोन दिया जाएगा, जिसमें ये नया सॉफ्टवेयर अपडेट है, ठीक है। गुड बाय।